चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग 2 किलोग्राम ब्लॉक अप ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट 10 मीटर दिया हुआ है, टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो सबसे पहली बात, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक को यहां से यहां तक मूव कराया आपने, 10 मीटर की हाइट तक मूव कराया, ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है 2 kg। तो आपने जो वर्क डन किया, वर्क डन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में और एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, या एनर्जी लॉस बोलो इसे, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोलो, बात एक ही है। तो ये जो एनर्जी है जो आपने अप्लाई की यानी वर्क किया ब्लॉक पे, वो 300 जूल का है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पहुंचने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई MgH, ग्राउंड पे था, 2 kg का ब्लॉक है, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू भी 10, 200 जूल की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये वैल्यू यहां रख दो 200 प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कहो, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोलो, बात एक ही है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू 100 जूल आएगी, अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आएगा, 300 माइनस 200 100 जूल, 100 जूल की वैल्यू आएगी। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।